एमकेएन ट्यूबर चैनल पर आपका स्वागत है। आज से करीब 6 महीने पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हम ऑनलाइन कंप्लेंट को कैसे रजिस्टर कराएं। ये वीडियो अभी भी वैलिड है, प्रोसीजर अभी भी चेंज नहीं हुआ है, प्रोसीजर वही है। लेकिन आपके काफ़ी सारे कमेंट्स इसमें आए हैं कि ऑनलाइन कंप्लेंट सबमिट नहीं हो रहा है, बार बार यही एरर आ रहा है कि प्लीज एंटर वैलिड कंप्लेंट, इस तरह का एरर आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है? अगर हम अपने कंप्लेंट को ऑनलाइन रजिस्टर नहीं करा पा रहे हैं तो हमारे पास दूसरे ऑप्शंस कौन से हैं, अब हमें ये देखना होगा। मैंने इस पर थोड़ा सा रिसर्च किया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस मिल जाते हैं कि हम अपने कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं। तो चलिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या है ये दो ऑप्शंस। यहाँ पर मैं आपसे एक ही अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, एक पूरी जानकारी मिल सके। यहाँ पर हमने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर दिया है। अब देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन क्या है। तो स्क्रीन के बॉटम में जैसे ही हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे सामने, डाउनलोड फॉर्म्स, इसको हमें सिलेक्ट कर लेना है। इस पर क्लिक करके देखते हैं कि क्या ओपन होता है। देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ चुके हैं, इसमें से हमें क्लिक हियर टू डाउनलोड अदर फॉर्म्स, इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे कई सारे फॉर्म के ऑप्शन है, डाउनलोड करने के ऑप्शन है। तो सबसे नीचे देखिए एटीएम कंप्लीट फॉर्म है। तो अगर हमारा एटीएम से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है, एटीएम फेल ट्रांजेक्शन का प्रॉब्लम है, जैसे कि हम एटीएम में गए थे पैसे निकालने के लिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हमारा एटीएम कार्ड था और अगर एटीएम से पैसा नहीं निकला और अगर हमारे अकाउंट से बैलेंस कट गया है, तो यहाँ पर हम कंप्लेंट फॉर्म की सहायता से अपने कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं। तो इसको क्लिक करके देखते हैं कि कैसा है ये कंप्लेंट फॉर्म, कैसा है। तो इसको हम क्लिक कर लेंगे। देखिए कंप्लेंट फॉर्म हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब इसमें ये अच्छी बात यह है कि ये दोनों भाषाओं में है, हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में दिया हुआ है और इसको हम फिलअप करके ब्रांच में, बैंक ब्रांच में सबमिट कर सकते हैं ताकि हमारा कंप्लेंट जो है रजिस्टर हो सके। तो अगर हमारा एटीएम फेल ट्रांजेक्शन का प्रॉब्लम है तो ये फॉर्म हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। अगर ब्रांच से हमें ये फॉर्म नहीं मिल रहा है तो इसका हम प्रिंटआउट निकाल के खुद भी इसको फिलअप करके ब्रांच में लेके सबमिट कर सकते हैं। तो ये तो पहला ऑप्शन है। और एक बात है, अगर आपको ये फॉर्म फिलअप करने में कोई भी परेशानी हो रही है तो नीचे कमेंट्स में बताइए, मैं प्रयास करूंगा कि उसको रिप्लाई, आपके कमेंट्स का मैं रिप्लाई कर सकूं। तो ये तो एक ऑप्शन हो गया। अब हम देखते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर चलते हैं और देखते हैं कि दूसरा ऑप्शन क्या है। तो देखिए टॉप राइट हैंड साइड में, टॉप राइट हैंड कॉर्नर में एक ऑप्शन दिखा रहा है, कॉन्टैक्ट अस, इसको सिलेक्ट करके देखते हैं कि हमारे लिए क्या है। अब देखिए यहाँ पे जो है सारे जोनल ऑफिसर्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं और ईमेल आईडी भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा जिस भी जोन है, जो भी जोन है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच जिस जोन में आता है उसका यहाँ पर ईमेल आईडी हम चेक कर सकते हैं और उस ईमेल आईडी पर हम अपने कंप्लेंट को मेल कर सकते हैं कि हमारा ये प्रॉब्लम है और हम ऑनलाइन कंप्लेंट भी रजिस्टर नहीं करा पा रहे हैं। तो वो सारे डिटेल हम यहाँ पे मेल कर देंगे तो हमारा कंप्लेंट जो है वो सॉल्व हो सकता है। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी, जोनल ऑफिस के कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी, फोन नंबर्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए कुछ फायदेमंद रहेगी। अगर आपका इससे जुड़ा कोई भी सवाल है तो नीचे कॉमेंट्स में बताइए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।